सर इस बार बिग बॉस ओटीटी ने पीछे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, पता है सलमान भाई का जलवा है, तभी रिप्लेस किया था करण जोहर के साथ। नहीं सर, इसकी वजह फुकरा इंसान पूरी यूट्यूब कम्युनिटी फॉलो कर रही है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो क्या कर रहे हो, एक तो यूट्यूबर को और लाओ और एपिसोड बढ़ाओ इसके। ओके सर, पर लाना किसको है? लाना ऐसे बंदे को जो बिग बॉस का पूरा सिस्टम हिला दे। सिस्टम? सिस्टम तो सिर्फ एक ही बंदा हिला सकता है। कौन है? 3, 2, 1 सिस्टम। जैसे इस साल यूट्यूबर्स के लिए जा रहा बिग बॉस में, अगर अगले साल आप लोगों को यूट्यूबर ही इसको होस्ट करते हुए दिखाई दे तो बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा। जलवा चल रहा है आजकल यूट्यूबर्स का। सो दोस्तों, बिग बॉस की अच्छी खासी टीआरपी बढ़ाने के लिए एंट्री ले ली है एलविश यादव ने, जिसके चलते यूट्यूब फैंस में तो खुशी की लहर दौड़ चुकी है, पर उसी के साथ साथ कुछ लोग दुखी भी हैं। अब दुखी क्यों, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, पर उससे पहले बात कर लेते बिग बॉस में क्या चल रहा है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सबसे पहले तो अभिषेक भाई को बहुत ही ज्यादा प्रेज कि उन्होंने इतना टाइम काट लिया इन लोगों के साथ। मेरे लिए तो अभी तक के लिए वही विनर है जितना उन्होंने झेला इस घटिया शो में। बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ वो आगे भी ऐसा खेलते रहेंगे। पर अब इस शो में क्या होने वाला वो भगवान ही जाने। एलविश भाई पहुंच चुके हैं और वो पूरा सिस्टम बिगाड़ने वाले हैं इस शो का। अरे मुझे याद दिला, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो भगवान ही जाने अब क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। अब आप लोग भी रेडी हो जाओ, क्योंकि इस सिस्टम में अब पिसने वाले हैं अभिषेक भाई भी। कुछ भी। बिग बॉस का एलविश भाई को भेजने की मेन मकसद यही है कि वो अभिषेक को टक्कर दे सके, क्योंकि बिग बॉस को चाहिए टीआरपी, वो भी भर भर के। बिग बॉस वाले टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग भी रेडी हो जाइए क्योंकि कुछ बड़ा ही देखने को मिलने वाला है। तो अब आप लोगों को सबसे पहले घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए हम लोगों को दोनों को सपोर्ट करना है और दोनों को फाइनल तक लेके जाना है। कुछ भी सीरियस नहीं लेना, क्योंकि अब ड्रामे होने वाले हैं नेक्स्ट लेवल के। बिग बॉस और घर के सदस्य पूरी कोशिश करेंगे इन दोनों को भी उड़वाने की। हम लोगों को शांत रहना और हम लोगों को कोई भी लड़ाई जंग छेड़ना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे को बाहरी एलविश वर्सेस अभिषेक देखने को मिले। बिल्कुल शांति बनाए रखनी है और दोनों को सपोर्ट करना है, ताकि दोनों हमारे को फाइनल में देखने को मिले। बाकी इन दोनों भाई से भी उम्मीद ये है कि ये लोग शांति बनाए रखेंगे, मिलजुल के खेलेंगे और बिग बॉस की टीआरपी का शिकार नहीं बनेंगे। बाकी भगवान ही जाने क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में। तो अब आगे बात करते, तो एक और एंट्री हुई जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। इन्होंने भी अपने करियर का स्टार्ट किया था टीवी से, जिसके बाद ये हमारे को सलमान खान की एक मूवी में देखने को मिली थी, पर उसके बाद से ये हमारे को सिर्फ सोशल मीडिया पे देखने को मिली हैं। इनको कोई इनकी एक्टिंग वजह से तो नहीं जानता, पर इनको जाना जाता है टिकटॉक और रील्स की वजह से, जिसकी वजह से ये 2 साल पहले बहुत ही ज्यादा फेमस थी एक वीडियो को लेके। क्या मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैं लड़कों का काटती हूँ, मैं बॉयफ्रेंड चेंज करती हूँ। तुम लोग शॉपिंग पे जाते हो, तुम कपड़े ट्राई करते हो, पसंद नहीं आता तो छोड़ देते हो ना। इसका मतलब तुमने कपड़ों का काट दिया, उन्हें धोखा दे दिया। वाह दीदी। नहीं नहीं जी हाँ, वो ये जो कपड़ों लड़कों को एक जैसा समझती है। मुझे समझ इस बात की आ रही है कि इनको एंट्री मिली है एलविश भाई के साथ। अगर आप लोगों को नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या चला था, तो एक बार चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आप लोगों को सब पता चल जाएगा इन दोनों की दोस्ती कैसी है। अब बात करते हैं बिग बॉस की पहली औरत अविनाश सचदेवा की। अबे भाई औरत नहीं है। सॉरी भाई, लोग पता ही नहीं चला। ये बंदा ना तो किसी सीरियल में कुछ कर पाया और ना ही यहाँ पे कुछ कर पा रहा है। इसको भेजा गया पूरे बिग बॉस के घर में सिर्फ आलस फैलाने के लिए। मैं इस बंदे को सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ तो कर भाई, कुछ तो कर। अब आते हैं जिया पे, जो कि स्टार्टिंग में तो हमारे को बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखी थी, पर अब पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि पहली वाली जिया कहाँ चली गई। अब आते हैं इस शो के असली 3 लेडीज पे, जो अपने अभिषेक भाई को बार बार उनकी परवरिश के लिए बोलती रहती है, जिसमें आते बेबिका, फलक और पूजा भट्ट। तो इन लोगों को तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब आप लोग तैयार हो जाइए। जैसा आप लोग बात करते हो, आप लोगों को जवाब देने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा पहुंच चुका है। ये आप लोगों को तमीज सिखाएगा और आप लोगों को बताएगा कैसे बात करते हैं किसी लड़के से। जो आप लोग फेमिनिज्म का कार्ड खेलते रहते हैं, ये सब बंद होने वाला है बहुत ही जल्द। इन आंटी जी का ज्ञान सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता इन आंटी से, इनको तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, रट चाहिए क्या औरत को। मनीषा मस्त है, वो जैसा भी खेल लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल लिया, मुझे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है। मैं चाहता हूँ वो जैसे खेल लिए वैसे ही खेलती रहे। अब आते हैं इस बंदे पे, इस बंदे को क्यों लाया गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। ये क्या है? इससे ऐसा तो कोई देसी बंदा लाके डालते तो वो ज्यादा एंटरटेन कर देता। इसको रखा गया है सिर्फ फ्लर्टिंग या फिर असली चीजें करने के लिए। ये बंदा मेरे समझ से बिल्कुल ही बाहर है। अब बात कर लेते हैं अपने यूट्यूबर फैंस क्यों दिखी हैं। तो बात ऐसी कि अपने यूट्यूब फैंस कंफ्यूज हो चुके हैं कि वोट किसको देना है। तो मैं कहना चाहूंगा, जो अच्छा खेलेगा आप लोग उसी को वोट देना,
जो आप लोगों को लगे कि वो हकदार है वोट का तो उसी को वोट देना और उसी को जिताना। बस इतना ध्यान रखना कि वो यूट्यूबर ही हो, किसी गलत बंदे को वोट मत दे देना। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों भाई को मिलजुल के वोट देना और दोनों भाई को फाइनल में लेके आना। बाकी दुआ करते जैसा भी चल रहा वैसे इन दोनों के बीच में चलता रहे, कहीं ऐसा न हो जाए कि बिग बॉस के बाद हमारे कोई बाहर जंग देखने को मिल जाए, कहीं ये दोनों एक दूसरे को रोस्ट करना शुरू कर दे बाद में। उम्मीद करते दोनों भाई अच्छा खेल के आएंगे और दोनों में से एक ना एक तो जरूर जीत के आएगा। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया वो आप लोगों को ऐसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।